सहारनपुर के थाना नकुड़ क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही घर में सो रहे महिला समेत दो मासूम बच्चों के दम घुटने से मौत हो गई। आपको बता दें कि नाकुड़ थाना क्षेत्र के मोहल्ला बंजारन में सलीम का परिवार रहता है। बीती रात जब सलीम अपने किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था तो उसके घर में पीछे उसकी पत्नी और दो बच्चे मौजूद थे। सलीम के जाने के बाद उसकी पत्नी ने घर में रोशनी के लिए मोमबत्ती जलाई, लेकिन वो सोते वक्त मोमबत्ती को बुझाना भूल गई। धीरे धीरे मोमबत्ती ने घर में रखे सामान को अपनी चपेट में लिया और घर के अंदर आग लग गई। कमरे का दरवाजा बंद होने की वजह से कमरे में सो रही सलीम की पत्नी, बेटी और बेटे की दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। ये थाने पर ये सूचना आई है कि एक महिला जिसका नाम मुन्नी है, वो कपड़ों के कट पीस का कुछ काम करती थी। बहुत छोटी से एक कमरा था जिसमें लोग रहते थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रात में किसी समय जो है उन कपड़ों में जो सिंथेटिक कपड़े रहे होंगे उसमें आग लगी है और उसके धुएं से दम घुटने से इनकी मृत्यु होना जो है प्रतीत हो रहा है। तो एक महिला और उसके दो बच्चों की मृत्यु हुई है। अभी तक की जानकारी में घटना इत्तफाकिया है, लेकिन इसके बारे में गहनता से जांच करी जा रही है। उसके परिवार जनों को बुलवा लिया गया था, उनके सामने ही सारी कार्रवाई पंचनामा पोस्टमार्टम करवाई गई। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आनन फानन में तीनों के शवों को बमुश्किल घर से बाहर निकाला गया, जिसके बाद तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट।